फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस लेके आऊँगा। सो मैंने सब्जेक्ट्स भी डिस्कस किए थे, उसमें से मैं अभी मैथ्स ले रहा हूँ। उसमें मैथ्स में मैंने देखिए, आप देख सकते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बारे में थोड़ा जानकारी दूंगा और प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये कैसे सॉल्व होते हैं। सो कोई भी चीज़ जाने से पहले उसका यूज़ क्या है वो हम लोग देखते हैं, तो इधर भी वैसे ही करेंगे। सो लैपलास ट्रांसफॉर्म जो है, हम लोग ये देखो, टी फॉर टाइम, ए एस फॉर फ्रिक्वेंसी। सो टाइम को फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करना है तो हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे, और एल्स एस को अगर टी में कन्वर्ट करना है, मतलब फ्रिक्वेंसी में फिर से टाइम को कन्वर्ट करना है, तो लैपलास नहीं, इनवर्स लैपलास यूज़ करेंगे। वो तो बात की बात है, हम लोग बाद में देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट अस स्टार्ट, एंड वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए और समझिएगा। सो इधर है फॉर्मूलास, स्टैंडर्ड फॉर्मूलास एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास। ये अगर तीन टॉपिक्स आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका लैपलास एकदम फास्ट में हो जाएगा, दिस इज़ माई गारंटी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बस आप एक बार नज़र मार लीजिए इस पर कि ये कैसे टाइप के फॉर्मूलाज हैं, दैट इज स्टैंडर्ड फार्मूलाज है, फॉर्मूला है, मेन फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है। मेन आप स्टैंडर्ड फार्मूलाज और ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज पे थोड़ा नज़र मार लिए, और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके लिए मैं 2-3 सेकेंड रुकता हूँ। तो ठीक है, हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो मैं फर्स्ट सम एकदम सिंपल लेने का ट्राई करता हूँ, जैसे कि आपको इन फॉर्मूलास की जानकारी मिले। सो लैपलास ऑफ साइन 4t, देखो मेरा ये टाइप 1 है। क्यों मैं टाइप इसको 1 बोल रहा, क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। तो लैपलास ऑफ साइन 4t, आप इधर देखिए फोर्थ फॉर्मूला लैपलास ऑफ साइन 80, ऑलमोस्ट मैच कर रहा है, बट इधर a नहीं है, इधर 4 है। सो इधर a का वैल्यू क्या हो गया, 4। सो इसका फॉर्मूला क्या है, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए का वैल्यू 4 डालो, 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 16। सो ये मेरा आंसर है। लेकिन कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कभी पूछते नहीं है, एग्जाम में कुछ इस टाइप के पूछते हैं जो कि मैं आपको अभी दूंगा, इट इज लैपलास ऑफ साइन रेस टू 40। अभी मैं इधर क्या था, साइन 40 था, दैट इज टी का इधर 4 था टी के लिए, बट इधर साइन रेस टू 4 है, दैट इज पावर में 4 है। तो आप इधर डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सबसे पहले आपको इधर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये कैसे दिखेगा करने के बाद, साइन टी साइन क्यूब टी, ठीक है। सो लैपलास ऑफ, देखिए साइन टी, अभी इधर आप सोचेंगे कि साइन क्यूब टी का तो नहीं है, तो ठीक है, जिसका लैपलास नहीं होता सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, इतना याद रखो। तो साइन क्यूब टी आप इधर देख सकते हैं, साइन क्यूब एक्स, अगर एक्स है तो आंसर में भी एक्स आएगा, टी है तो आंसर में भी टी आएगा। तो अभी इधर लिखता हूँ इंटू 1/4 3 साइन टी माइनस साइन 3t, ठीक है। मैंने अभी इधर डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके ही लिखा है, आई होप आप सभी को ये फॉर्मूलास पहले से पता होगा। देखिए साइन 3t साइन क्यूब टी साइन क्यूब टी 1/4 3 साइन टी माइनस साइन 3t। क्यों मैं बोल रहा पता होगा, क्योंकि ये पहले 11-12 में हो चुके हैं, ठीक है। सो 1/4 कॉन्स्टेंट, सो लैपलास ऑफ 3 साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर टी माइनस साइन 3t इंटू साइन टी। 1/4 लैपलास ऑफ 3, अभी देखो साइन स्क्वायर टी को मैं लिख सकता हूँ 1 cos 2t / 2 माइनस साइन
साइन ए साइन बी, देखो ये मैच कर रहा है, साइन ए साइन बी, साइन ए ए के बदले 3t है, बी के बदले t है, तो मैं इसको ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ए की वैल्यू इधर डालो, बी की वैल्यू इधर डालो, अपना ये फॉर्मूला बन जाएगा। सो ये हाफ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कॉस 3t माइनस 2t, दैट इज 2t माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब इन दोनों का एडिशन, दैट इज कॉस ऑफ 4t। ठीक है, सो 1/4 इंटू इधर 2 है, इधर 2 है, कुछ नहीं मतलब 1/2 बाहर लिया मैंने, हाफ तो अंदर क्या बचा 3, 1 माइनस कॉस 2t माइनस कॉस 2t माइनस कॉस 4t। ठीक है, सो ये 1/8 लैप्लास ऑफ 3 अंदर माइनस 3 कॉस 2t माइनस कॉस 2t प्लस कॉस 4t। सो आप देख सकते हैं 1/8 लैप्लास ऑफ 3 माइनस, सिंप्लीफाई कर लो ज़्यादा कुछ नहीं, 4 कॉस 2t, ओके कॉस 2t और कॉस 4t, सो कॉस 4t का इसे बचा। ठीक है, सो 1/8 अभी देखो, अभी अपना मेन चालू हो जाएगा लैपलेस ऑफ 3, लैपलेस ऑफ 1 क्या है 1/2, तो लैपलेस ऑफ 3 क्या है 3/2, 4 कॉन्स्टेंट एसी लैपलेस ऑफ कॉस 2t, ये तो कहीं दिखा सा लग रहा है, दैट इज 6th लैपलेस ऑफ कॉस 2t, ए का वैल्यू इधर क्या है 2, तो ए का वैल्यू इधर डालो तो आपको आंसर मिल जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस सेम इसके जैसे ही स्क्वायर प्लस 16। तो ये अपना फाइनल आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, ये आपका फाइनल आंसर है जिस जो कि मिला है लैपलेस ऑफ साइन रेस टू 4t, जो कि t में था हमने कन्वर्ट कर लिया s में, मतलब ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म अपना वेरीफाई हो गया, मतलब सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। ठीक है, सो एक बात और, मैं आपको हर वीडियो में जो भी क्वेश्चंस लूँगा उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी नॉर्मल ऐसे सम तो कोई पूछते नहीं एग्ज़ाम में, ऐसे सम हालांकि पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, सो मैं आपको प्रैक्टिस सेक्शन देता हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखो ये रहे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिए, बाद में देख लीजिए ये कैसा है क्या है, और बाद में इसको सॉल्व करिएगा। सो द फर्स्ट जो है देखो साइन है, अब ये तीन तीन टर्म्स है, तो आप इन दोनों को ले सकते हैं एक साथ या फिर इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं, आपकी मर्जी। इसमें तो डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला मीन्स साइन स्क्वायर टी का सॉल्व करने के बाद आएगा। अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ओके। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं हर सबको प्रैक्टिस क्वेश्चंस देके उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकूं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।